गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ज्ञान वेबिनार सीरीज। सो आज के हमारे वेबिनार का नाम है मैनेजिंग रूमिनल एसिडोसिस फॉर ऑप्टिमम मिल्क यील्ड एंड एनिमल हेल्थ। सो मेरे साथ अगेन ऑन डिमांड वी हैव अ स्पीकर डॉक्टर शंकर सिंह। सो आई वेलकम डॉक्टर शंकर सिंह फॉर दिस वेबिनार। एज यू नो रूमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ डेयरी एनिमल एंड रूमिनल एसिडोसिस इज अ वेरी चैलेंजिंग नाउ डेज। सो इसी पर ही बात करेंगे डॉक्टर शंकर सिंह। डॉक्टर शंकर सिंह का एक बार मैं फिर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर शंकर सिंह इज अ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ वेटनरी मेडिसिन इन फ्रॉम मदुरा वेटनरी कॉलेज। ही हैज कंप्लीटेड हिज बीबीएससी एंड बीबीएससी फ्रॉम बॉम्बे वेटनरी कॉलेज फॉलोड बाय एमबीएससी एंड पीएचडी इन वेटनरी मेडिसिन फ्रॉम आईवीआरआई। ही हैज ओवर 80 रिसर्च पब्लिश्ड आर्टिकल्स एंड ऑथर्ड बुक। ही हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेटनरी साइंस। He has also received prestigious awards, including the IVRI Best Student Award and DC Blood Gold Medal Award. So he also runs a YouTube platform called Dr. Shankar Vet Virtual Classes. So I welcome Dr. Shankar Singh to take us through this about ruminal acidosis. So थैंक over यू to you, डॉक्टर Doctor. थैंक यू डॉक्टर अभिषेक फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ताकि जो रियल वर्कर हैं उनके साथ हम लोगों को इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब एक बार फील्ड में लोग चले जाते हैं तो जो किताबों की बातें हैं वो प्रैक्टिस तक नहीं आ पाती हैं। लेकिन फिर आपका ये जो मुहिम है नेचुरल रेमेडीज का, कि किताबें, रिसर्च, जितने भी अपडेट हैं, उन लोगों को समय नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर उनको इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में दिया जा सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपने दिया मुझे और मेरे ऑडियंस से मिलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका परमिशन हो तो हम स्टार्ट करें इस वेबिनार को। ओके, यस यस थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे हैं रूमिनल एसिडोसिस की, और रूमिनल एसिडोसिस जो कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि रूमेन में एसिड बनना है, और ये हमेशा कंफ्यूजिंग है एक तरह से। आप कहिए तो ये कहता है कि कॉमन पीपल को ये लगता है कि जिस तरह से हम लोग अपने आप से कोरिलेट कर लेते हैं और हमारे स्टमक में जिस तरह से एसिड बनता है उसी तरह से रूमेन में भी एसिड बनता होगा, और लोग गलतियां करते हैं, हमारी एसिडिटी की जो दवाएं हैं वो भी रूमिनेंट्स को देते हैं, जबकि बिल्कुल ही ये अलग है। इसको लैक्टिक एसिडोसिस कहा जाता है, यानी कि हमारे स्टमक में जो एचसीएल बनता है इनके ट्रू स्टमक एबोमेजम में बनता है। रूमेन में ज्यादा मात्रा में अगर लैक्टिक एसिड बन जाए या वोलेटाइल फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बने जो कि एब्जॉर्ब ना हो पाए और उनका एक्युमुलेशन होने लगे, उसको रूमिनल एसिडोसिस, रूमिनल ओवरलोड या ग्रेन इंगोजमेंट कहा जाता है। मैं बात कर रहा था ग्रेन इंगोजमेंट का। कहने का मतलब ये है कि इंगोज होने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से अगर जानवर जो कि उनका स्टेपल डाइट नहीं है उसको सडेनली बहुत ज्यादा मात्रा में और टॉक्सिक अमाउंट आप कह सकते हैं एक साथ अगर इंजेस्ट कर लेते हैं, तो रूमेन का काम क्या है, उसको फर्मेंट करके बेसिकली वो डाइजेशन प्रोसेस को ईज करता है और फाइबर के फर्मेंटेशन के लिए वो बना है। लेकिन हम लोगों ने जब से इंटेंसिव फार्मिंग शुरू किया है, या गलती से जो हमारे रुमिनेंट्स हैं वो ज्यादा मात्रा में अगर हाईली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि ऐसे पाउडर या फीड आप कह लीजिए जिसमें इजिली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है और वो बड़े तेजी के साथ फर्मेंट हो सकता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अगर खा लेते हैं तो उसको हम लोग रुमिनल एसिडोसिस कहते हैं। रूमिनल एसिडोसिस को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है अगर क्लिनिकल बेसिस पे हम लोग कहें तो क्लिनिकली एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जबकि जो मैं बात कर रहा था कि सर्टेन अमाउंट, जो मतलब कि एक जो लिमिटेशन है उससे ज्यादा अगर चारा वो खा लेता है, वो खास कंसंट्रेट खा लेता है गलती से या इंटेंशनली किसी ने खिला दिया है। आप लोग देखेंगे कि जनरली ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों से भी एसोसिएटेड है, जो फार्मर्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि रूमेन जो है वो किसके लिए बना है। रूमेन